आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद की नगर पालिका ठाकुर द्वारा पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक ट्रस्ट सोसाइटी के मुरादाबाद मंडल के महासचिव व समाज सेविक अब्दुल अजीज सैफी उर्फ शर्मा जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम काफी लंबे समय से संस्था के माध्यम से लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं अब्दुल अजीज उर्फ शर्मा जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आज मौजूद हैं जिला मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा तहसील में, जहां हम बात करेंगे अब्दुल अजीज सैफी जी से, जो कि एक बहुत ही बड़ी समाजसेवी संस्था चलाते हैं डॉक्टर अंबेडकर स्मारक ट्रस्ट के नाम से। आइए जानते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं किस तरह की ये संस्था काम करती है और क्या क्या इनका योगदान और सहयोग रहा है इस संस्था को आगे बढ़ाने में और कार्यरत रहने में। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है जी। अजीत सैफी जी, आप यहाँ इस संस्था में महासचिव, मंडल महासचिव हैं जी। अपनी संस्था के बारे में कुछ जानकारी हमें थोड़ा विस्तार से दीजिए जी। मैं अब्दुल अजीज सैफी और शर्मा जी के नाम से फेमस हूँ, समाज सेवक। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा ट्रस्ट समाज सेवा संस्था है और पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में है। हर जाति का, हर पार्टी का आदमी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम को भेदभाव वाली बात होगी। कितने लोग लगभग आपकी संस्था से जुड़े होंगे? हमारे संस्था में करीब 28 लाख आदमी जुड़ा हुआ है पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में जी। और जिसमें हर जाति का, हर समाज का, हर पार्टी का आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जिसमें क्या, उत्तर प्रदेश से करीब 8 लाख आदमी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, सर्व समाज और महिला पुरुष। और करीब 7.5 लाख उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और बाकी हमारे सारे जो पूरे हिंदुस्तान में है। क्या इसमें आपकी संस्था में कोई जैसे सरकारी कर्मचारी या कोई अधिकारी, इस तरह के लोग भी आपके साथ यहाँ शामिल हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ हमारी संस्था में इसमें करीब 70% हर जाति के, हर पार्टी के और शासन प्रशासन अधिकारी, उद्योगपति वगैरह, नेता मंत्री वगैरह और सब IPS, PCS, IG, DIG, शासन प्रशासन वगैरह सब इसमें जुड़े हुए हैं 70%। और करीब 30% हमारे लोकल के आदमी हैं, लेकिन सब का मान सम्मान बराबर है और कोई ऊंच नीच नहीं होती। बिना भेदभाव के हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई चीज कोई नहीं जानता हमारे कोई। अब्दुल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो ये संस्था है ये किस तरह का सेवा कार्य करती है? हमारे जो ये समाज सेवा संस्था है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और इसमें जो भी हमारे सब कार्यकर्ता काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, इसमें गरीबों के लिए जो है सेवा करते हैं, गरीबों की सहायता के लिए। जैसे क्या, गरीब बेटियों की शादी कराना। अभी पिछले साल हमने 1100 बेटियों की शादी कराई हिंदू मुसलमानों के सारों की जी। और हमारे जो है धर्मशाला में होता है इसका प्रोग्राम, एक तो हमारे 6 दिसंबर को होता है हर साल और एक हमारे जो है 14 अप्रैल को होता है प्रोग्राम, उसमें जो आते हैं सभी। और इसमें गरीब बेटियों के लिए मतलब देहातों में, शहरों में कई हज़ार हमने सिलाई कढ़ाई सेंटर खुलवा रखे और वो उनको ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। जो बच्चे हमारे सिलाई सेंटर में सिलाई कढ़ाई सीख जाते हैं, बच्चे सीख जाती हैं बेटी है, उनको डिप्लोमा देते हैं अपने संस्था के द्वारा और सिलाई कढ़ाई सेंटर खोलने के लिए उनको लाइसेंस बना के देते हैं। और उनके जो है नेताओं से या किसी बड़े मंत्री को बुला के, जैसे मुख्यमंत्री जी हैं या जैसे कपड़ा मंत्री अजय टमटा जी हैं, उनके हाथ से उनको डिप्लोमा दिलवाते हैं हम उनको। ये हम ये जानना चाहेंगे कि इतना जो आप करते हैं, जैसे कि आपने बताया सिलाई भी सिखाते हैं, डिप्लोमा भी देते हैं, वहाँ से ट्रेनर भी आप उनको सिखाने के लिए बुलाते हैं और शादियाँ वगैरह कराने में काफ़ी खर्चा जो है आपकी संस्था करती है, क्या इस पूरे खर्च में कहीं कुछ योगदान सरकार या कोई जो बाहरी संस्थाएँ होती हैं, कई बार चैरिटी ट्रस्ट वगैरह, ये सब यहाँ से मदद मिलती है क्या आपको? इस तरह की कोई मदद मिलती है आपकी संस्था में? जी नहीं, हमारे किसी भी सरकार से, केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से या राज्य सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिलती किसी से, कहीं से भी हमने नहीं लिए किसी से। और हमारी जो भी संस्था जो भी सहायता करती है, जो भी काम करती है, सब अपने ही स्तर से काम करते हैं सारी संस्था, हमारी टीम जो काम करती है। केवल अपने निजी स्तर पर सभी लोग मिल करके सहयोग करते हैं? हाँ, सब हम अपने निजी स्तर पर अपने सब मिलकर काम करते हैं, खर्चा करते हैं, किसी से कोई सहायता हमें नहीं है।
अब जैसे कि पिछले 2-3 महीने से यहाँ लॉकडाउन भी है, महामारी फैली हुई है, तमाम दुनिया भर में जो है समाज सेवी संस्था सबसे बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा लिया है। हालांकि एक दफा तो अगर देखा जाए तो सरकार से भी पहले समाज सेवी संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है इसमें। तो आपकी संस्था ने इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, किस तरह से गरीबों की सहायता की है या क्या ऐसा कार्य किया है जिससे कि इसमें कोरोना महामारी से जंग लड़ने में सहायक हो? जी, हमारी जो ये समाज सेवा संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर ट्रस्ट जो है, ये हमारी संस्था के जो हमारे जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने पदाधिकारी हमने देख रखे हैं मिले हुए सबको, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई प्रदेश से है, कोई तहसील से है, सब अपने अपने जगह अपने तहसीलों में, अपने जिलों में, अपने गांवों में, अपने शहरों में सब काम कर रहे हैं और सब गरीबों को अपने स्तर से जितनी जिसकी मतलब हैसियत है उनको राशन दे रहे हैं, उनको पैकेट बना के दिए गए हैं, जैसे काशीपुर में, मुरादाबाद में या और भी कई जगह है रामपुर में। तो हमारी टीम जो है सब अपने तरीके से उनको पैकेट बना करके और गरीबों घर देखा जा रहा है, और हमने हर मोहल्ले में या जैसे गरीबों के जैसे रिक्शा चालक हैं या जैसे मजदूर हैं उनको घरों में कमाने वाला काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, सब परेशान है, तो उन हमने एक एक आदमी छोड़ रखा है जो कि घर घर जाकर देखते हैं कि किसी एक आदमी के यहाँ कई दिन से खाना नहीं बना है, तो वहाँ लोग हमारे जाते हैं, मतलब वो देखते हैं कि कहीं कोई परेशान तो नहीं है, या परेशान हो तो आपको आप तक उसकी जानकारी मिल जाती है, हमें जानकारी मिल जाती है। अच्छा, और कुछ जो है हमने कुछ नाम वैसे लिख रखे हैं, कुछ हमने जो है वो उप जिलाधिकारी के लिए भी दे रखी है लिस्ट हमने, के कुछ 300 के कुछ मदद सरकार से भी लग जाए, लेकिन वो हमें अभी नहीं मिली है। 1 तारीख को हमने दी थी है और आज 15 तारीख हो गई, वो आपस में एक दूसरे को टाल देते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो भी मदद कर रहे हैं, किसी के घर हमने 1000 रुपए पहुंचवाए, किसी के घर 500 रुपए पहुंचवाए, इस तरह से हम अपने स्तर से हमारी संस्था काम कर रही है। तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, अपनी संस्था की तरफ से कोई मदद मांगना चाहते हैं या किस तरह से आप चाहेंगे कि सरकार तक आपकी जो है ये अपील पहुँच पाए, कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, हमारा ये कहना है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि जैसे और ट्रस्टों को और संस्थाओं को मदद दी जाती है, पैसा देते हैं मदद के उसके समाज सेवा के लिए, इस तरह से हमारे संस्था को भी मतलब सरकारी मदद मिले, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद कर सकें। अर्जुन जी, यहाँ पर जो है संस्था के द्वारा तो काफी समाज सेवा आपने भी की है, आपके सारे सहयोगियों ने मिलकर के की है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि एक समाज सेवक होते हुए अपने निजी स्तर पर आपने गरीबों के लिए या अपनी जनता के लिए, अपने नगर की जनता के लिए आपने अपने स्तर पर कोई कदम उठाया है, उसका उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित तो स्कूल चला रहा हूँ, और इसमें गरीब बेटों बच्चों के लिए मैं फ्री एडमिशन, फ्री पढ़ाई शिक्षा दे रहा हूँ, और इसमें जो भी खर्चा है सब अपने स्तर से उठा रहा हूँ मैं, और जो अनपढ़ हैं जैसे मतलब ये बूढ़े जवान महिला पुरुष, तो उनके लिए भी फ्री एडमिशन, फ्री पढ़ाई, शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। हमारे सरकार का जो साक्षरता अभियान था उसको आप अपने स्तर पर भी काफी अच्छे से जो है योगदान दे रहे हैं। जी, यहाँ मुफ्त में शिक्षा दिलवाकर। जी हाँ, ये शिक्षा दे रहे हैं, और दूसरे प्रधानमंत्री शिक्षा साक्षरता अभियान जो जैसे ही चल रहा है, इसके लिए हमने जो है सर्टिफिकेट बनाए हैं 14 साल के उम्र से लेकर के 59 साल तक के बच्चों की, युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बेपढ़े हैं, सभी के लिए, बूढ़े जवानों के लिए, और इसमें किसी से कहीं से कोई पैसा खर्चा नहीं लिया गया है, इसमें जो भी हमने खर्चा करा है सब अपने स्तर से कर रहे हैं, और सर्टिफिकेट उनको कंप्यूटर द्वारा बना के दिए जा रहे हैं। अब्दुल अजीज जी, आखिरी बार आपसे ये कहना चाहेंगे बस कि अब जैसे कि रमजान चल रहे हैं, लॉकडाउन अभी भी जारी है और ईद भी आ रही है, आप अपनी जनता को, अपने गरीब लोगों को, साथियों को, सभी को क्या संदेश देना चाहिए इस बारे में, क्या? जी, मैं अब्दुल अजीज साहब शर्मा जी, और मैं शर्मा जी के नाम से फेमस हूँ, और मुझे बहुत गर्व है, बहुत फख्र है मुझे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं सैफी शर्मा कहलाता हूँ। दूसरे, मैं अपने सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो मेरी ईद की मुबारकबाद, अलविदा जुमे की मुबारकबाद सभी भाइयों के लिए, और दूसरे हमारे जितने भी सरकार ने कानून बनाए हैं लॉकडाउन में, उसका सभी व्यक्ति पालन करें अपना, और मैं सरकार से ये भी कहूँगा
सभी से कि जो मस्जिदों में अजानें बंद कराई गई हैं वो उनको अजानें करवा दी जाएं, चालू करवा दी जाए, क्योंकि अजान की आवाज़ जहाँ तक भी जाती है वहाँ तक बाबा हवा और शैतान नहीं टिकवाता। इससे जब से हमारे देश में अजानें बंद हुई हैं मस्जिदों में, जब से कोरोना की बीमारी ज़्यादा फैली है, जिससे क्या अजानें हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, तो मैं समझता हूँ और जो पढ़े लिखे इंसान उनको भी समझना चाहिए कि इसमें बीमारी बहुत कम होगी।